3 मार्च को शाम नू 4 बजे पुलिस नू इतला मिली कि बीएसएफ कॉलोनी जिहड़ा पुलिस स्टेशन डिवीजन 1 विच पैंदी है, उस दे विच एक बॉम्ब नुमा चीज़ उहदे गेट च कोई हैंग करके चला गया है। उस घर दे मालिक मिस्टर शिवांश जिहड़े एक बिजनेसमैन है, उन्हां नू एक फोन गया कि तुसीं घर जाके देखो तुहाडे घर दे बाहर की है। जदों उन्होंने जाके देखा, उन्होंने इमीजिएटली पुलिस नूं इनफॉर्म कर दिता, जिसते उत्थे पुलिस मुलाजम पहुँच गए। जदों उत्थे पीसीआर दे पुलिस मुलाजम पहुँचे, नाल ही उन्होंने दूसरा फोन आया कि और इन्होंने जिहड़ा मालिक सी उन्होंने पुलिस वालों नूं वो फोन फड़ाता, जिसते ये जिहड़े बंदे जिन्होंने बॉम्ब नुमा चीज़ लगाई सी अपना फोन बंद करके भज गए। लोकल पुलिस ने और डीएसपी स्पेशल ब्रांच मिस्टर सुरेंद्र पाल एंड एसपी सिटी 1 जसवीर सिंह, इन्हों दे अधीन असी एक टीम बनाई और इन्होंने बड़ी मेहनत करके और 2 मुलजिम ये जिहड़े केस दे गिरफ्तार किए। एक दा नाम है धनंजय जो आजमगढ़ का रहने वाला है, और दूसरे दा नाम है सनी कुमार जो गोरखपुर का रहने वाला है। ये दोवें दोस्त ने और इन्हों चों एक लड़का इन्हां दी दुकान ते पहला काम पिछले 4 साल तो काम कर रहा है, और इन्होंने प्लान किया कि उत्थे एक बॉम्ब नुमा चीज़ लगा के और जिहड़े बिजनेसमैन हैं उन्हां नूं डरा के इन्हां तो 5 लाख रुपए ले लेंगे और उसके बाद इन्हूं डिफ्यूज़ कर देंगे। सो ये एक टेरर, एक भय फैलाने वाली एक घटना सी, जिस दे नाल नगर दे विच काफ़ी लोगों के सहम भी सी और कि है तो छोटा इंसीडेंट लेकिन ये दहशत का एक माहौल बन गया सी। सो इन्हां दोवां व्यक्तियों को गिरफ्तार करके इन्हां कोलों वो सिम कार्ड, 2 मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल, ये सारा कुछ बरामद कर लिया।